तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट्स है। मतलब यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है। हाफ लाइफ को मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ, या 10 मिनट दिया हुआ। इनिशियली मतलब क्या होता है, जब समय जीरो था तो एन नॉट जो न्यूक्लियाई थी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो 600 थी। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम टेकन इन 10 मिनट, मतलब टू डिसइंटीग्रेट, मतलब कितना समय लगेगा कि जो ये मान लो एंड है, डिसइंटीग्रेट हो गया। मतलब ये न्यूक्लियाई है, एक सैंपल है, समझ रहे हो, एक सैंपल है। जैसे का जैसे टोकरी है, तो टोकरी में ऐसे बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं। समय के साथ एप्पल कम हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ऐसे समझ लो, न्यूक्लियाई कम हो रहा है। तो जो जो चला गया वो एंड ऐसा, तो बचा है एन। जब समय जीरो था तो ये एन नॉट था, तो अब कितना है, तो एन है। तो कैसे निकालें भाई, जो एन नॉट में से माइनस एन डैश घटा दोगे तो कितना था, 600, और माइनस यहाँ से 450 डिसइंटीग्रेट हो गया, तो 150 यहाँ से बचा हुआ है, रिमेनिंग है ये, ठीक है ना, ये बचा हुआ है रिमेनिंग, और ये 2 डिसइंटीग्रेट हो गया। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, एन एन जो बचा हुआ है, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। तो ये जो टी एन है, तो टी टाइम में एन बचा हुआ, उसका फार्मूला है। तो यहाँ पर बचा हुआ कितना है भाई, 150 जो चला गया, वो था कितना यहाँ से 600, तो 1/2, और टी तुम्हें चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल में कितना भाई, हाफ लाइफ कितना है, 10 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 2 की पावर -1 आ जाएगा। यहाँ पे 1/4 बचेगा ना ये, और यहाँ से 1/2, और टी की पावर यहाँ से 10, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। 1/4 को तुम लिख सकते हो 1/2 का 2 स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो 1/2 का 2 स्क्वायर, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -2 बचेगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर -t/10। तो -2 इज इक्वल टू यहाँ से t/-t/10। पावर को कंपेयर कर दिए तो t की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, मतलब ए ऑप्शन अपना सही हो जाता है। तो 20 टाइम में ऐसा हो जाएगा, 20 मिनट में, ठीक है ना। थैंक यू।